सचिन पायलट जी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने बहुत तीन घोषणाएं बहुत अच्छी की है। इन्होंने कहा है कांग्रेस पार्टी ने कि कांग्रेस की सरकार बनने के 10 दिन बाद यानी 10 दिन में ही किसानों ने किसी भी बैंक से जो भी कर्ज लिया है वो कांग्रेस सरकार आते ही माफ हो जाएगी, और जो माता बहनों की पेंशन अपनी सरकार में बंदी थी उसको अब बढ़ा के 1000 रुपए अपनी सरकार करने वाली है। इसके अलावा 10 दिन वाली बात मेरे को इसलिए गले उतर गई कि पंजाब और कर्नाटक के अंदर राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी और वहां दोनों जगह सरकार बनते ही उस वादे को पूरा कर चुके हैं। अगर 10 महीने का नाम लेते तो मैं मेरे भाषण के अंदर मैं नहीं बोलता क्योंकि मुझे पता है कि वो नहीं करते तो फिर आप मेरे को पकड़ते, लेकिन 10 दिन में जोश ही जोश में काम हो जाएगा। ये अकेले करेंगे नहीं नहीं बिल नहीं हो ना, बिल कोई भी काम बताओ बस जी सासू जी देवर जी ससुर जी सारा काम करे और दशेक बना निकल जाए पांच वो ससुरो या सासू कह ले चाय ले बोले चुपचाप बिले पीली हो तो सरकार नई बनेगी, नई सरकार बनेगी जरा जोश जोश के माए वो काम निश्चित रूप से हो जाएगा और जिम्मेदारी थाने राजकुमार की। तो सेना में जाना चाहते हैं जो पुलिस की भर्ती में जाना चाहते हैं उनको दौड़ने के लिए सुबह सुबह वो सड़क पे दौड़ते हैं और सड़क पे दौड़ते हैं तो कई बार दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। उनके लिए पंचायत मुख्यालय पे जमीन उपलब्ध रहती है, वहां पर इन बच्चों के लिए 400 मीटर का एक सुंदर ट्रैक और एक खेल मैदान की स्थापना 2019 में करना। मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपका हूं, आपने मुझे 10 साल से जांचा है परखा है, सोशल मीडिया पे लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, पहले जाति का जहर गोला उसमें कामयाब नहीं हो पाए तो उन लोगों ने ऐसे निम्न स्तर की राजनीति करनी शुरू कर दी है जिसका राजनीति में कोई स्थान नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं हो सकता, झूठ कुछ समय के लिए आ सकता है लेकिन सच्चाई आती है। जो भी आप लोग भी परेशान हो रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे लोग किस किस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं वीडियो चलवा रहे हैं, अरे कुछ तो उनको शर्म करनी चाहिए कि जो लोग ठीक है बीजेपी के हैं वो लोग, लेकिन अपने बच्चों को तो कम से कम राजनीति के अंदर गलत तरीके से इस्तेमाल मत करो। राजकुमार क्या है ये नवलगढ़ क्षेत्र का बच्चा जानता है, राजस्थान का बच्चा जानता है। वो लोग विकास के नाम पर हमसे लड़ नहीं सकते, लेकिन मैं कहता हूँ सूरज की तरफ झुकने से खुद के ऊपर ही गिरेगा, सूरज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच सच ही रहता है, आप लोग मजबूत रहो। ये 7 दिन में पता नहीं क्या क्या और लाएंगे, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो कभी आपने सुनी नहीं होगी। हर चुनाव में ऐसा ये लोग करते हैं, लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी, ये पर्चे बांटा करते थे पहले, फिर पर्चे बांटने के बाद किताबें बांटने शुरू की। ये अफवाहें फैलाने तो इनका काम है, अपना काम है कि एक एक वोट अपने लिए कीमती है। चुनाव निश्चित है, राजस्थान में सबसे बड़ी जीत अगर किसी की होगी तो आपके नवलगढ़ में डॉक्टर राजकुमार की होगी 3600, इसलिए वो घबरा गए और घबराई नहीं गए। मैं आज कह रहा हूं आपके बीच में, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन देख लेना, पहली बार होगा राजस्थान के इतिहास में कि सामने वालों की सबकी जमानत जब्त होगी। और जब्त इसलिए होगी कि बिगाल से लेके नोरा तक और रामपुरा से लेके राणासर तक 36 की 36 कौम की बिरादरी जी जान में लग गई है चुनाव को ऐतिहासिक बनाने में। और मुझे तो ये कह दे ज्यादा गड़ो मत बैठा है, हाजिरी दे और अगला गांव में जा, अठली गांव की जिम्मेदारी मारी है। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, आप सिर्फ 7 दिन डॉक्टर राजकुमार परेशान कर दो पूरा ब्याज सहित काम करके सेवा करके वापस चुका दो।